एबीपी न्यूज गांव की मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद साझापुर के ब्लॉक कुमाया में स्थित चौसेड़ा गांव पहुंचा। वर्तमान में गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह गांव ब्लॉक से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्रामवासियों ने संतोष कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 1850 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर राशन कार्ड धारकों की जाए तो गांव में आज भी 50 परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 70 सोलर लाइटें भी लगाई गई हैं। बात अगर पेयजल व्यवस्था की जाए तो गांव में 44 हैंडपंप पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगवाए गए हैं। वहीं वर्तमान प्रधान के द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 172 शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, पंचायत घर, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। कुमार ग्राम पंचायत प्रधान विकास खंड को वर्ग किया था। यहाँ पे हमारे गांव में नाली खंजा लगभग तो बने हुए हैं, लेकिन हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि बारात घर हमारे गांव में नहीं है। 3 राजस्व गांव में चौसेड़ा, आनंदपुर, टिपरी और स्कूल तीनों में हमारे यहाँ आनंदपुर में भी है प्राथमिक विद्यालय, प्रीमियर भी है और चौसेड़ा में कैम्ब्रिज स्कूल इंग्लिश मीडियम बना हुआ और जूनियर हाईस्कूल भी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो हमारे तीनों गांव में पूरा नहीं हो पा रही है। हैंडपम्प काफ़ी कम है हमारे यहाँ पे, जो कम से कम तो 10 में भी चाहिए। बाकी आरती भी है जो गांव में वहाँ कार्य चल रहा है, खड़ंजा नाली इंटरलॉक जिसके पैसों का अभाव होता है, जो अधिक मिले से हम बात बनवा सकते। आवास हमारे गाँव में 20 सूची में नाम डाल रखे हैं, जो गरीब पात्र लोग हैं और काफ़ी गरीब हैं, जिनके यहाँ आज भी छप्पर या पन्नी डाल के लोग रहते हैं। ये सूची में हमारे यहाँ 24 नाम थे, जिसमें से 12 पात्र निकल गए और 9 नाम पात्र हैं और बाकी बैठक में पड़े हुए हैं। ये जो सबकी मांगे हैं, लगभग मांगे तो कम है हमारे यहाँ, 3500 में खर्चा नहीं चलता है, उसमें काम तो काफ़ी है और कम से कम 10,000 होने चाहिए और पेंशन भी हो तो और बढ़िया है।